हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट. दिस इज जयराम द्विवेदी हियर, असिस्टेंट प्रोफेसर SIRT IT डिपार्टमेंट. आई वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर सीरीज ऑफ डेटा साइंस. और टॉपिक इज डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल. ठीक है, डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल के बारे में हम देखेंगे आज. तो देखिए, कल हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था इसमें. अब डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल, व्हाट इज एक्चुअली अ लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल मीन्स व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर एनालिसिस ऑफ अवर डेटा. ठीक है, तो अब इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल डिफाइंस एनालिटिक्स प्रोसेस ऑफ डेटा. व्हाट आर द प्रोसेस दैट कैन बी फॉलो फॉर एनालिसिस ऑफ आवर डेटा. एंड द सेकेंड पॉइंट इज द लाइफ साइकिल ड्रॉन फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड मेथड इन द एरिया ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड डिसीजन साइंस. ओके, हम लाइफ साइकिल में बात करेंगे. जो लाइफ साइकिल होंगी, जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल पढ़े हैं, तो वो सारे के सारे जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वो वेल डिफाइंड होते हैं. हर एक स्टेप का कुछ ना कुछ रूल होता है, उस रूल को हमें फॉलो करना होता है. सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी होंगी. जब हम एनालिसिस लाइफ साइकिल की बात करेंगे, तो जो भी हम स्टेप्स या प्रोसेस अप्लाई करेंगे इसमें, प्रोसेस इज वेल डिफाइंड एंड बाउंडेड बाई सर्टेन रूल. तो वो जो है ना, रूल के थ्रू डिफाइंड होंगी सारी की सारी मेथड्स, जो कुछ भी हमें इसमें अप्लाई करना है. उसके बाद है डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल दैट इंक्लूड द सिक्स फेजेस. तो जो लाइफ साइकिल है, उसको हम सिक्स फेजेस में कंप्लीट करेंगे. तो पहला फेज है आपका डिस्कवरी फेज, और सेकंड इज डेटा प्रिपरेशन फेज, एंड थर्ड स्टेप इज या थर्ड फेज इज मॉडल प्लानिंग फेज, एंड द फोर्थ इज मॉडल बिल्डिंग, एंड फिफ्थ फेज इज कम्युनिकेट रिजल्ट्स, एंड आफ्टर दैट द सिक्स इज ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, अब जैसा आप देख रहे हैं, डिस्कवरी डिस्कवरी में हम कौन सी चीज़ों को फोकस करेंगे, किन किन पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे. तो डिस्कवरी की अगर बात करें, तो डिस्कवर इट मीन्स फर्स्ट यू आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम डोमेन. ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपने प्रॉब्लम को समझना होगा. ठीक है ना, क्योंकि आप किसी भी डेटा को किस बेस पे एनालिसिस करेंगे, पहले आप ये सर्च करें. तो उसके बाद ही आप क्या करेंगे कि कैटेगरी ऑफ डेटा को सेलेक्ट करेंगे फॉर एनालिसिस. तो मेन आपका फर्स्ट फेज है डिस्कवरी, एंड सेकेंड इज द डेटा प्रिपरेशन. ठीक है, एज पर अवर रिक्वायरमेंट, एज पर अवर प्रॉब्लम वी फाइंड द सोल्यूशन, एंड वी फाइंड द सोल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर डेटा सेट. तो उसके बाद फिर आप अपने डेटा को प्रिपेयर करिए. प्रिपेयर करिए इट मीन्स द उसको फिल्टर आउट करिए. जो आप डेटा गेदर्ड कर रहे हैं, जो भी डेटा आपको मिल रहा है, वो सेग्रीगेट डेटा नहीं होगा, वो डिफाइंड डेटा नहीं होगा. तो उस डेटा में प्रोसेस अप्लाई करके उस डेटा को अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है ना, क्या करिए, बनाइए. उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं. ये आपका सेकेंड फेज में हम ये काम करेंगे. थर्ड फेज में होगा कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए एक मॉडल प्लान करना है. ठीक है ना, कि किस मॉडल के थ्रू, किस टूल के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू हमें इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है. तो वो यहाँ पे हम मॉडल बिल्डिंग, मॉडल प्लानिंग करेंगे कि कौन से मॉडल को हमें अप्लाई करना है. ठीक है,
और उसके बाद फोर्थ फेज में हम मॉडल बिल्डिंग की बात करेंगे। मॉडल बिल्डिंग इट मीन्स आप मॉडल अपना प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद फिर हम कम्युनिकेट रिजल्ट को देखेंगे कि जो भी हमारे पास डेटा सेट आया, जो भी हमने प्रिपरेशन किया, ठीक है ना, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद फिर उसको समराइज करिए, रिजल्ट को आप अपने यूज करिए जहाँ पे भी आपको यूज करना है। तो ये फेजेस हैं, इन फेजेस के बेसिस पे हम अपने एनालिसिस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। दिस आर द कंप्लीट, हाँ, ये दिस इज द ग्राफिकल और द पिक्टोरियल व्यू ऑफ ऑल द फेजेस। तो फर्स्ट इज द डिस्कवरी, अनदर वन इज द डेटा प्रिपरेशन, देन डेटा मॉडल प्लानिंग, मॉडल बिल्डिंग, कम्युनिकेशन रिजल्ट। तो फर्स्ट फेज में देखिए, फर्स्ट फेज में यहाँ पे लिखा हुआ है डू आई हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू ड्राफ्ट एंड एनालिटिक्स प्लान एंड शेयर फॉर प्री रिव्यू। ठीक है, तो जैसा आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में SRS प्रिपेयर करते थे, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते थे, उसी तरीके से हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करके उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है, उनके बारे में हमें डिस्कशन करना होगा, ताकि जो डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, डेटा प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, उसके लिए आसान हो जाए। आप डेटा प्रोसेसिंग में अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है डेटा प्रोसेसिंग में, तो हम फिर से इसको प्री रिव्यू के लिए भेज देते हैं कि भैया यहाँ पे आप क्या करिए, प्रॉब्लम को फिर से अच्छे से रिव्यू करिए, ठीक है ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आप करिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही आप इसको जो है ना कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना साइकिल बनेगा, ठीक है, डू आई हैव द इनफ गुड क्वालिटी डेटा टू स्टार्ट बिल्डिंग द मॉडल। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपका डेटा होगा वो प्लान करने, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को समझ पाएंगे तभी आप डेटा उस बेसिस पे कलेक्ट कर पाएंगे, और उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉर द प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप फिर से उसको क्या कर देंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे, भैया ये प्रॉब्लम है, ये डेटा है, इसके लिए अब आपको मॉडल बिल्ड करना है, ठीक है ना। तो अब आप वहाँ पे फिर मॉडल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। फिर से अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से आप जो है ना बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, इसमें प्री रिव्यू के लिए फिर से भेज सकते हैं, जो कुछ भी प्लानिंग हो या उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो तो आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। एंड सिमिलर फिर से आप इसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट अगर आपका जो मॉडल प्लान है, मॉडल प्लान और जो भी आपका डेटा सेट मिल रहा है, जिस टाइप के डेटा के साथ में आपको डील करना है, वो अगर परफेक्ट हो गया तो हमें फिर मॉडल बिल्ड करना है, ठीक है ना, फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड फॉर अ पर्टिकुलर डेटा सेट। तो मॉडल बिल्डिंग की बात हो जाएगी, यहाँ पे आप मॉडल बिल्ड कर लेंगे। अब मॉडल बिल्डिंग के बाद फिर आप जो है ना फर्दर कम्युनिकेशन एंड ऑल द फेजेस, ये फेजेस हम कंप्लीट करते हैं, और ये जो है ना आपके साइकिल्स जो है ना वो चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हमें क्या करना है, अपने डेटा को एनालिसिस करना है, ठीक है ना, ये लाइफ साइकिल है। आप इसके बाद देखिए, फर्स्ट फेज है डिस्कवरी फेज। फर्स्ट फेज में हम क्या करते हैं, इसमें किन किन चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं। तो फर्स्ट फेज में जिस चीज़ पे हम कंसंट्रेट करते हैं वो है द टीम लर्न द बिजनेस डोमेन। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना है ना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है डिस्कवरी में, टीम लर्न द बिजनेस डोमेन, मतलब हमें किस डोमेन में वर्क करना है, सबसे पहले हमें उसको आइडेंटिफाइड करना होगा। इसके बाद है देखिए, इसी में है नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस फेज द डेटा साइंस टीम मस्ट लर्न एंड इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम।
सबसे पहला हमारा काम है, जो टीम है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगी, देन डेवलप द कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड लर्न अबाउट द डेटा सोर्स नीड एंड अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम डेटा सोर्स सर्च करेंगे और उस डेटा को हमें क्या करना होगा, प्रोसेस कराना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर प्रोसेस करेंगे, ठीक है। द टीम एक्सेस द थर्ड पॉइंट, द टीम एक्सेस द रिसोर्स अवेलेबल टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, टाइम एंड डेटा, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, डिस्कवरी फेज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिस्कवरी फेज में किसी भी तरीके की लैकिंग नहीं चलेगी। जब तक आपका प्रॉब्लम डोमेन स्पेसिफाइड नहीं होगा, तब तक आप जो है ना डेटा सोर्स, डेटा सेट और डेटा में क्या वर्क करना है, कितना टाइम लगेगा, किस टाइप के हमें टेक्नीशियंस चाहिए होंगे, क्या प्रोसेस हमें अप्लाई करना होगा, ये क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें जो भी हमारा प्रॉब्लम डोमेन है दैट शुड बी स्पेसिफाइड, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़े हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आपका SRS बहुत रोल प्ले करता था। SRS में ही आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करते थे कि कितने लाइन ऑफ कोड्स होंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, मॉडल कौन सा हमें बिल्ड करना होगा, किस कौन से मॉडल से हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स क्या लगेंगे, कॉस्टिंग क्या होगी, एंड ईच एंड एवरी थिंग इज बेस्ड ऑन योर SRS डॉक्यूमेंट। यहाँ पे भी आपका डिस्कवरी फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी फेज में ही आपको सारी चीज़ें जो है ना क्लियर होंगी, क्योंकि ये अगर क्लियर होगा तब आप नेक्स्ट फेज में अपनी एक्यूरेट मॉडल प्लान कर सकते हैं और मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद है क्या है, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज इन दिस फेज इंक्लूड्स द फ्रेमिंग द बिजनेस, ठीक है, अपने बिजनेस को हमें फ्रेम आउट करना होगा। देन प्रॉब्लम एज एन एनालिसिस चैलेंज दैट कैन बी addressed in subsequent phases and formulating initial hypotheses to test and being learned the। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जो भी phases होंगे उनको हमें formulate करना होगा, initial the some hypotheses values and hypothetical data sets we can collect and अप्लाई किया। अब इसके बाद देखिए द की फंक्शंस ऑफ डिस्कवरी फेज, क्या मेन फंक्शंस हैं, हम डिस्कवरी फेज में कौन कौन से फंक्शन को यूज करेंगे। तो एक है आपका लर्निंग द बिजनेस डोमेन, सबसे पहले हमें बिजनेस डोमेन को समझना होगा। देन रिसोर्सेस, हमें डेटा कहाँ से कलेक्ट करना होगा, और भी रिसोर्सेस हमारे क्या होंगे अपने डेटा को फर्दर प्रोसेस करने के लिए। देन फ्रॉम फ्रेमिंग द प्रॉब्लम, जब तक आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड नहीं करेंगे उसको फ्रेम आउट कैसे करेंगे, तो फ्रेमिंग द प्रॉब्लम। इसके बाद है आपका आइडेंटिफाइंग द की स्टैक होल्डर्स, आइडेंटिफाइंग द की स्टैक होल्डर्स, ठीक है ना। आपको आइडेंटिफाइड करना होगा कि हमारा जो जो ये प्रॉब्लम डोमेन है वो कहाँ पे अप्लीकेबल होगा और कैसे इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो की स्टैक होल्डर्स जो है वो आइडेंटिफाइड करने होंगे। देन डेवलप द इनिशियल हाइपोथेटिक्स, इसके बारे में तो अभी डिस्कस कर चुके हैं, हाइपोथेटिक्स डेवलप करने होंगे आपको, कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज के साथ में उस प्रॉब्लम को रिलेट करना होगा। इसके बाद है आप आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल डेटा सोर्सेस, ठीक है, हमें उन डेटा सोर्सेस को फाइंड आउट करना होगा जहाँ से हम अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को क्या कर पाए, कलेक्ट कर पाए। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिस्कवरी फेज में जरूरी है हमारे लिए।
ठीक है ना। तो ये है आज की स्लाइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ना टाइम लिमिट हमको शो हो गया है, तो लेक्चर कभी भी स्टॉप हो सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसके बाद जो फर्स्ट स्लाइड का था उसमें वही चीज़ है। तो इसके बाद की जो प्रोसेस है, नेक्स्ट कौन कौन से पॉइंट्स इसमें अप्लीकेबल होंगे, या कौन से और भी, जैसे अभी हमने फर्स्ट फेज का पढ़ा, तो फर्स्ट फेज में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रॉब्लम डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बाकी के भी पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं। होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।